क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। क्रिसमस को ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो खास तौर पर जीसस क्राइस्ट और सांता क्लॉस के रूप में याद किया जाता है। क्रिसमस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इससे ही जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य मैं आपके लिए लाई हूँ। क्रिसमस का त्यौहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्मेनियन अपोस्टोलिक चर्च में क्रिसमस 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस के दिन से 12 दिन तक क्रिसमस टाइड उत्सव की शुरुआत होती है। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है। कई देशों में क्रिसमस को सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। क्रिसमस प्रभु यीशु यानी ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व में हुआ था। जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के ईश्वर हैं, इसलिए इसे सभी ईसाई बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाओं को लोग इस दिन पढ़ते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। ईसा मसीह दुनिया को एकता और भाईचारे की सीख दी और लोगों को भगवान के करीब रहने का मार्ग भी दिखाया। क्रिसमस के पहले दिन 24 दिसंबर से ही कई यूरोपियन देशों में उस समारोह शुरू हो जाते हैं। क्रिसमस की तैयारी 12 दिन बाद यानी 5 जनवरी की शाम को उतार दी जाती है। क्रिसमस को कई धर्मनिरपेक्षता और गैर ईसाई लोग भी एक संस्कृति उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ब्रिटिश व राष्ट्रीय मंडल देशों में क्रिसमस का अगला दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस में सांता क्लॉस का बड़ा महत्व है। बिना सांता क्लॉस के क्रिसमस के त्योहार की कल्पना नहीं की जा सकती। सांता क्लॉस को क्रिसमस के दिन कई लोग याद करते हैं जो बच्चों के लिए तोहफे लाते थे। क्रिसमस के मौके पर चर्च में समारोह व सजावट होती है व लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। क्रिसमस को पश्चिम देशों से बाहर प्रसिद्ध करने में अंग्रेजी की प्रमुख भूमिका थी। अपने शासनकाल में अंग्रेजी ने विश्व में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार किया। लगभग हर जगह क्रिसमस के पर्व पर क्रिसमस के पेड़ को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। सांता क्लॉस को लेकर मान्यता है 4वीं शताब्दी में संता निकोलस, जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही असली सांता थे जो गरीबों को हमेशा गिफ्ट देते थे। आज भी कई जगह लोग क्रिसमस के अवसर पर नकली सांता क्लॉस बनकर आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।